हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मुंबई प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम शुक्ला जी स्ट्रीट के पास खड़े हैं, जो कि बीजेपी ने मेडिकल कैंप रखा गया है। उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू है। इस पर प्रक्रिया जी के कार्यक्रम लेकर जो उद्घाटन होने जा रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उद्घाटन करते हुए मंदिर भी करते भारतीय जनता पार्टी का विजय से क्लब बनते गए। डॉक्टर उमेंद्र, आप कहाँ तक स्टडीज किया अपना? मैंने MSc NT, उसके बाद फेलोशिप इन कैंसर सर्जरी। आपने बीजेपी के लिए कितने कैंप अभी तक किए? मैंने किसी पार्टी के लिए कोई स्पेसिफिक कैंप नहीं किया है। जहाँ भी कोई कैंप के लिए बुलाता है प्रेम से चला जाता हूँ। अच्छा, आप किसी दबाव से तो यहाँ पर नहीं है? मेरा कोई दबाव नहीं है यहाँ पे, कोई दबाव नहीं। मैं जसलोक में ही रहता हूँ। आराम से कैंप के लिए बुलाया गया तो मैं चला जाता हूँ। आप मेरे 3 बजे रात में कॉल करोगे ना तो मैं आपको अपने घर पे बुला के देख लूँगा, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा आपको। आपका नाम क्या है? डॉक्टर उमेंद्र। और आपका नाम क्या है? मेरा डॉक्टर नसीम अंसारी। आप कहाँ तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट किए? मैंने पुणे से किया है। और आपने अभी तक कितने कैंप कंप्लीट किए? मैं 10-12 साल से कैंप कर रहा हूँ। आप ये कैंप में किसी दबाव से तो नहीं है? कोई दबाव से नहीं आता हूँ मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण जैन संघवी। आपका नाम? शरद शाह पिटी वाला। आरिफ शेख। आप लोग कहाँ से? कमाटीपुरा शुक्ला स्ट्रीट। आप? भुलेश्वर। मैं मुंबई सेंटर। अच्छा, ये बताइए, आपका ये जो मेडिकल स्टार्ट किए, ये क्या वजह क्या थी? लोगों की सेवा करना। आपका? भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रमेश नायक जी ने यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया है और वो पूर्व नगर सेवक थे और वो आजीवन लोगों की हेल्थ के लिए चिंता करते और लोगों की हेल्थ के लिए हमेशा कैंप लगाते रहते। और आज कामाटीपुरी एरिया में रमेश नायक जी ने कैंप लगाया। मैं मुंबई भाजपा के मंत्री की ओर से उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आपका क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई, हमने का एक कार्यक्रम रखा है, ये मेडिकल कैंप रखा है, जो कान नाक और गाले की जाँच की जाएगी और 200 लोग को चश्मे फ्री में दिए जाएंगे। और इतने बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और सबको चश्मे मिले जाएंगे। अच्छा, आने वाले जो इलेक्शन है, इसके लिए कोई आपके एजेंडा तो नहीं है? हमारा ये परमानेंट एजेंडा है कि लोगों की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी में हमको पहले से सिखाया जाता है कि 10% राजकरण करो और 90% लोगों की सेवा करो और सामाजिक काम करना, वो हमारा दायित्व बनता है। वो दायित्व के अन्वय रमेश नायक जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण मुंबई की टीम हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऐसे करती रहती है जिसका लाभ जनता को पहुँचे। आपका क्या कहना है? एकदम सही है, शरद पेटी वाले ने बोला वो सही है। और आपका क्या कहना है? एकदम सही बोले जसरा जी ने, और एकदम परफेक्ट जो भी बोला गया एकदम सच बोला। आपका नाम क्या है सर? अतुल शाह, मैं प्रवक्ता हूँ या मुंबई बीजेपी का प्रभारी हूँ, इंचार्ज, और वैसे मैं चेयरमैन हूँ CND वार्ड का। अच्छा, आपका ये जो इवेंट चल रहा है आपको कैसा लग रहा है? ये सचमुच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश में प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया भारत बनाने के लिए देख रहे हैं, मगर गलियों में जो समस्याएं हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ये मेडिकल कैंप का आयोजन करके
हमारे पूर्व नगर सेवक श्री रमेश जी नायक, श्री आरिफ शेख, हमारे जिला के सभी लोग, प्रवीण भाई, महबूब भाई, सब ने ये कैंप लगाया। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जनसलाब इकट्ठा हुआ है चेकअप के लिए, ये अपने आप में ये दिखाता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं। हमारे मेडिकल कैंप में आके डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर सारी बीमारियों का यहाँ पर हम इंस्टेंट इलाज। और सबसे बड़ी बात, लोग चश्मे का शिविर लेते हैं और चश्मे के लिए बाद में बुलाते हैं, मगर हमारे रमेश भाई ने ये चश्मा आज के आज लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि लोगों की आंखों की चिंता हम कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास, इसमें यह नहीं दिखाया जाता है कौन है, कोई भी हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, सिख, ईसाई, पारसी, किसी को भी देते हैं, मगर ये कांग्रेस वाले सब प्रचार करते हैं हमारे विरोध में, उसको यहाँ पर मैं खंडित करता हूँ। यहाँ पर जितनी तादाद में हिंदू भी आए हैं, उतनी तादाद में मुसलमान भी आए हैं, महिलाएं भी आई है, छोटे छोटे लोग, बच्चे भी आए हैं, पुरुष भी आए हैं। तो ऐसा ये कैंप, अनोखा कैंप करके लोगों की चिकित्सा की चिंता हमने की है। अच्छा, ये आने वाले कोई इलेक्शन का आपका कोई नया एजेंडा तो नहीं है ना? देखो, ये हमने ये कैंप यहाँ पर 2 महीने पहले भी किया था, इलेक्शन के और लोगों की सेवा से हमारा कोई नहीं है। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आपने पिछली बार मोदी जी को लाया था, इस बार भी गफलत में नहीं रह जाना। मोदी जी के जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए देश को आगे ले, पर हमने कंट्रोल किया है। जो पहले महंगाई 10.4% थी, आज महंगाई 3.4% पर उसको कंट्रोल किया है। दाल के भाव उनके जमाने में 150 रुपया पहुंच गए थे, आज दाल व्यवस्थित, उससे भी आधे से भी कम भाव में दाल मिल रही है। अभी जो सर्वे हुआ है उसमें महाराष्ट्र में 48 सीट में से 28 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही, क्या ये सर्वे सही है? कल ही मेरे अध्यक्ष अमित शाह ने पुणे में कहा है, हम पिछली बार से भी ज्यादा एक सीट लाएंगे। पिछली बार हमको 43 आई थी, हम 44 से 45 सीट भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, ये कल पुणे में कहा है। मुंबई प्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।